नमस्कार समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं भरत कोठियाल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पूर्व विधायक शेर सिंह दानू की स्मृति में आयोजित लोहा जंग मेले में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सूबे के मुख्यमंत्री पिथौरागढ़ उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी चंद्रा पंत के प्रचार से सीधे लोहा जंग पहुंचे, जहां मेला कमेटी और भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ प्रदेश अध्यक्ष भाजपा और नैनीताल से सांसद अजय भट्ट भी मौजूद रहे। देवाल विकासखंड के लोहाजंग पहुंचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के समक्ष स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने अपनी अपनी समस्याएं भी रखी। इसी के साथ ही मेला कमेटी के अध्यक्ष इंद्र सिंह राणा और देवाल ब्लॉक प्रमुख दर्शन दानू ने देवाल क्षेत्र में सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा की समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने अपने उद्बोधन में देवाल थराली मोटरमार्ग सुधारीकरण, देवाल स्वास्थ्य केंद्र में टेलीमेडिसिन और टेली रेडियोलॉजी खुलवाने, लोहा जंग में बस टैक्सी स्टैंड, लोहा जंग में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, नगर पंचायत थराली में स्ट्रीट लाइटों और बाढ़ सुरक्षा कार्यों सहित राजकीय महाविद्यालय तलवाड़ी में पुस्तकों और क्रीड़ा सामग्री के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा मंच से की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने मेले के आयोजन के लिए 2 लाख रुपए की घोषणा और जनसंघ से विधायक रहे शेर सिंह दानू के पैतृक गांव पिनाऊ के लिए जल्द से जल्द सड़क मार्ग पहुंचाने का आश्वासन क्षेत्रीय जनता को दिया। लोहाजंग से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हेलीकॉप्टर से सीधे नारायण बगड़ विकासखंड के कापलतीर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने विक्टोरिया क्रॉस दरवान सिंह नेगी वॉर मेमोरियल शौर्य महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत की। लोहाजंग पहुंचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनकी सरकार पूरी ईमानदारी से कार्य कर रही है और दूरस्थ क्षेत्रों में बेहतर सुविधाओं के लिए उनकी सरकार योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों के लिए भी उनकी सरकार नई नई योजनाएं ला रही है। मिलेगा। दूसरी बात जो दीनदयाल पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि किसान विकास योजना है, उसके अंतर्गत हम 1 लाख रुपए तक का ऋण ये बिल्कुल बिना ब्याज का दे रहे हैं। अगर समूह है किसानों के तो 5 लाख रुपए तक का दे रहे हैं। तो मैं किसानों से कहना चाहूंगा उसका लाभ उनको लेना चाहिए। वहीं देवाल प्रमुख दर्शन दानू ने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा देवाल की समस्याओं को लेकर जो घोषणाएं की गई हैं वो सराहनीय है, जिससे आने वाले समय में काफी हद तक स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क सुविधाओं में इजाफा होगा और आमजन को इसका सीधा फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री की स्वर्गीय शेर सिंह दानू जी जो सांस्कृतिक और पर्यटन औद्योगिक मेले में लोहाजंग पधारे थे और लोगों को बहुत उम्मीद भी थी माननीय मुख्यमंत्री जी से, और आज मैं कह सकता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो यहाँ देवाल में के लोहाजंग में आकर जो अपार घोषणाएं की हैं और आज क्षेत्र की जनता पूरी गदगद है। चाहे देवाल में जो लंबे वर्षों से एक मांग चल रही थी हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड, एक्सरे और तमाम चीज़ों को लेकर आज उन्होंने वो भी घोषणा यहाँ पर की है और तमाम घोषणाएं यहाँ पर की हैं, जिससे क्षेत्र की जनता बहुत गदगद है और समस्त देवाल की जनता माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूं। वहीं थराली से पूर्व ब्लॉक प्रमुख और बीजेपी कार्यकर्ता राकेश जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री के इस दौरे से थराली की जनता सीधे तौर पर लाभान्वित हुई है और उनकी घोषणाओं से थराली विधानसभा क्षेत्र में सुविधाओं में इजाफा होगा। बहुत ही खुशी का अवसर है। मुख्यमंत्री जी ने बहुत महत्वपूर्ण पहला महत्वपूर्ण काम जो थराली देवाल मुंदोली लाइफ लाइन जो सड़क है उसका सुधारीकरण के लिए घोषणा की है। मैं समझता हूँ जल्द ही सड़क की स्थिति अच्छी हो जाएगी तो हमारा यातायात ठीक रहेगा, हमारा पर्यटन बढ़ेगा। तमाम जहाँ पर हम खड़े हैं आज ये बिल्कुल पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है और मैं नमन करता हूँ शेर सिंह दानू जी जिनके नाम से आज ये मेले का आयोजन किया गया, उसके शुभ अवसर पर सड़क को सुधारने का मौका दिया गया और छात्रों को पढ़ने के लिए पुस्तकों के लिए पैसा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा की गई और तमाम क्षेत्रीय मांगों के अनुसार उनके द्वारा जो घोषणा की गई है उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और यहाँ के आयोजक मंडल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हराली से गिरीश चंदोला की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें समाचार इंडिया के साथ। खबर से लेकर असर तक नमस्कार।